हम अपने भीतर की आंख में उतर चले, वही है हम सब के पास जगमगाता हुआ महकता, मालिक ने स्वयं रखा है हम सब के भीतर। अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड होते जाना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते जाना, अपने मायके में भर भर जाम पीना मस्ती का, मस्ती के आलम में डूबते चले जाना। मांग नहीं चाहिए, मस्ती चाहिए। आज के इंसान को मस्ती चाहिए, आज की दुनिया को मस्ती चाहिए, बेपरवाही का आलम चाहिए, थर्ड आई चाहिए, शिवनेत्र चाहिए, सुरती द्वार पर जगमगाता हुआ लहलाता हुआ जीवन चाहिए। लगातार देखते रहना, अपने सुपर साइंस की लैब में उतरना, भीतर की लेबोरेटरी में उतरना। यू आर सुपर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ना हम भिक्षु हैं ना भिखारी, हम तो ठहरे भीतर के पुजारी, हम तो भीतर के खोजी दीवानी, भीतर के मस्तानी, भीतर के साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट हैं। अपनी संस्कृति में उतरे, अपनी खोज तलाश में उतरे, अपनी एकमात्र डिस्कवरी में उतरे। इससे बढ़कर के कोई साइंस नहीं, कोई विज्ञान नहीं। ज्ञान विज्ञान आत्म ज्ञान का शिखर है, ये परम विज्ञान आत्म अनुभव। थर्ड आई में निवास, शिवनेत्र में निवास, विराट होकर के जीना हम सबका एकमात्र धर्म है, मानव धर्म है। धर्म को बाहर दीवारों की तरह खड़ा मत करना, धर्म तो द्वार है भीतर का, ये तो द्वार है धन्य धन्य होकर के जीने का। अपनी खोज अपनी तलाश तेरा धर्म है, ये तो भीतर का सब्जेक्ट है। सच्चित आनंद स्वरूप धर्म का मायका मखाना है। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। किताबें नहीं होना, अनुभवी होना। जो किताबें कहती हैं उसका अनुभव लेना, जो शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं, संत भगवंत कहते हैं, जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब कहता है, जो बाइबल अंजील कुरान शरीफ कहता है, वह तुम अपने भीतर अनुभव करना। इस संगति में सानिध्य में उतर करके वो कर लेना जो वो कहते हैं। सदा सदा के लिए सजदा हो जाएगा, सदा सदा के लिए नमस्कार हो जाएगा, सदा सदा के लिए सर झुक जाएगा। वही करना जो वो कहते हैं, उनकी कथनी को सार्थक करना। उन्होंने जहां से खोजा है तुम भी खोज सकते हो, उन्होंने जहां से पाया है तुम भी पा सकते हो। सबके पास बराबर है पोटेंशियल, सबके द्वार पर बराबर है पॉसिबिलिटी। ये संभावना सबके द्वार पर उतरी है, तुम स्वयं जाग करके जी सकते हो। जागना जीवन है, अपनी ओर जागना, मन के प्रति जागना, अंधेरों के प्रति जागना, तुम जागना, केवल जागना।
ठीक वैसे ही जैसे बाहर की ओर जागे हो अपनी ओर भी जागना, अपनी खबर ले लेना, अपना ध्यान रखना, अपने से पहचान कर लेना। अपनी जानकारी प्राप्त कर लेना, तू है कौन, इतना सा सवाल अपने प्रति उठा लेना। जवाब भीतर से मिलेगा, वो तेरा अपना जब तक नहीं होगा संतुष्टि नहीं होगी। स्वयं खोजना, भीतर के प्रोसेस में उतर कर, मेडिटेशन के प्रोसेस में उतर कर खुद खोजना। चाहे हम कितने भी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं माइंड के साथ, चाहे एक पल के लिए भी माइंड से हटना मुश्किल महसूस होता है, आप जल्दबाजी मत करना। इतना सा अनुभव भी दे रहा बहुत गजब का है, तूने खुद देख लिया मैं माइंड के साथ कितना जुड़ा हुआ हूं, मैं स्वयं ही माइंड होकर के जी रहा हूं, मुझे अपना कुछ पता नहीं, केवल माइंड ही माइंड हूं मैं, बाहर भीतर। वेस्टर्न लॉजिक काम कर रहा है जिससे बहुत उदास हो गया है अरिस्टोटल, वो स्वयं उस लॉजिक के पार जाना चाहता है, उस माइंड के बियॉन्ड होना चाहता है, उसके पार होकर के अपने अस्तित्व में जीना चाहता है, किंतु उसकी चाहत पूरी ना हो सकी। आप कर सकते हो अपनी चाहत पूरी, उसको तो कोई दरवेश मिला नहीं, तेरी भारत भूमि में तो तुझको दिशा देने वाले अनेकों हैं। अवसर नहीं चूकना, जब जब भीतर की राह मिले अवेलेबल रहना, अवेल करना उसको। धन्य धन्य हो जाओगी, तुम आत्मनिर्भर हो जाओगी, तुम आत्मवीर होकर की जियोगी, निर्भय हो जाओगी अपने माइंड से। तुम जागो, अपने स्वभाव में रहिएगा, मन के स्वभाव में बहुत रह लियो, तुम अपने स्वभाव में रहिए, बहुत स्वाभाविक रूप से देखते जाना जो जो तेरे भीतर तेरे समक्ष घटित हो रहा है, डायरेक्ट वाच करना, बी वॉचफुल। दीज मोमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, वेरी प्रेसियस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। ढाल डीप डीप स्टिल डीप है, जिंदगी में कभी भी गंभीर नहीं होना, गहरे होना, तो इंसान है, गहरा होना, अपनी डेप्थ में रहना, अपनी डेप्थ को टच करना, अपनी डेप्थ, अपनी गहराई को, आंत्यांतिक स्थिति को, जो नॉलेज ऑफ नॉलेज का सोर्स है, उस गहराई में उतरना, गहरे होके जीना, नूरो नूर हो जाओगी, हर हालात के मालिक हो जाओगे। गंभीर नहीं होना किसी भी समस्या के प्रति, गंभीर नहीं होना, गहरे होना, समाधान मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, पकड़ रहेगी नहीं, स्वतंत्र होके जियोगे। मन से स्वतंत्र होना, बियॉन्ड माइंड होना, डेप्थ है दी, Thank you.
ओंकार आमीन आमीन। जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे। प्रभु की कसम, खुदा की कसम, उस मालिक की कसम, उस विराट की कसम है मुझे, मुझे उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए और उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। उससे ज्यादा तो कछु है ही नहीं, उससे कम कम मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। प्रभु की कसम, खुदा की कसम खा के कहता हूं, केवल वही चाहिए। थर्ड आई शिवनेत्र जगमगाता हुआ, तू स्वयं चाहिए, तू स्वयं। जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे। जिस आईने में आए नजर, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, जिस आईने में आई नजर, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आई नजर। प्रेम में डूबा हुआ नौजवान नवयुवक सदा सदा के लिए उसका हो गया, कुर्बान हो गया, उसी के चरण शरण में कुर्बान हो गया, सदा सदा के लिए बाबा के छाती का हो गया, पीछे मुड़के एक बार नहीं देखा, अपना आप चढ़ा दिया उसके चरणों पर, यह भी नहीं पूछा और कितने वर्ष लगेगा मुझे एनलाइटेंड होने में, कितना टाइम लगेगा मुझे प्रकाशित होने में, कितना समय लगेगा मेरे जीवन की बगिया खिलने में, एक बार नहीं पूछा नरेन ने, क्वेश्चन ही नहीं उठता। प्यास, दीवानगी, दर्द, एकत्व की स्थिति लेकर के जब उतरता है तो ये सवाल उठते नहीं। स्वयं भगवान राम, प्रिंस राम के रूप में गुरु के द्वार पर 20 वर्ष लगाते हैं, 25 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहता है, एक बार नहीं कहा कितने वर्ष लगेगा, कभी थके ही नहीं। सेवा साधना की मूर्ति बन बन करके मिटे हैं, कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, चाहा नहीं, मिटते चले गए। स्वयं 14 वर्ष लगातार गोपाल प्रिंस भगवान कृष्ण होने वाले, प्रिंस गोपाल 14 वर्ष लगातार, 16 कला संपूर्ण, स्वयं संपूर्ण अवतार, 17 वर्ष की आयु में गुरु के द्वार पर पहुंच करके गुरु संदीपनी के द्वार पर 14 वर्ष लगातार मिटे हैं, एक बार नहीं कहा और कितना समय लगेगा,
उसके द्वार पर उसके चरण शरण में जो सुख शांति आनंद वैभव मस्ती का आलम भी प्रवाहित की एकमात्र जगमगाती हुई शिखा उसके चरण शरण में है, वो संसार के किसी शिखर पर नहीं है। उन्होंने खुद देखा स्वयं 14 वर्ष गुजर जाने के बाद स्वयं गुरु संदीपनी ने कहा, गोपाल अब तुम भगवत्ता को उपलब्ध हुए हो, दुनिया के कल्याण के लिए जाइए ना, अपना रोल अदा कीजिए। स्वयं गुरु ने भेजा, वो जाने को तैयार नहीं, वो तनिक मात्र भी द्वार छोड़ करके जाने को तैयार नहीं। गोपाल घर से दक्षिणा पहुंची है गुरु के चरणों में, मेरी दक्षिणा यही है, गुरु संदीपनी ने कहा। गोपाल ओ भगवान कृष्ण हो जाने वाले, मेरे द्वार पर भगवान हो जाने वाले, मेरे द्वार पर भगवत्ता की महान मूर्त सूरत होकर के जीवन को लहलहाने वाले, तूने अपना आप दिया मुझे, मैंने तुझको भगवत्ता का स्वरूप प्रदान किया, इस स्वरूप को लेकर के जा। इस दुखी समाज का कल्याण कर, मानव समाज की कल्याण हेतु घर तू आया है, जा अब तू सारी दुनिया का हो जा। सेवा साधना की मूर्ति बनकर के मिट मिट करके जिन्होंने मालिकियत को उपलब्ध किया है, वो आज कोने कोने में, गली गली में, बाजार बाजार में जगमगाते हैं, जीवन दिशा देते हैं। ये है प्यास प्रभु की, पीछे मुड़कर नहीं देखती, मिट जाती है उसके चरणों में और देने लायक हो जाते हैं वो, दुनिया भर को चारों युगों में रोशन मुनारा होकर के देते हैं, सबका अस्तित्व आबाद कर देते हैं। जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे, 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 जिस आईने में आई नजर। सजदे मचल रहे हैं तेरी दीद के लिए, 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 ले चल मेरे मुर्शिद, ले चल मेरे बाबा, ले चल मेरे बाबा अपनी दिशा में मुझे, ले चल मेरे मुर्शिद अपनी गलियों में मुझे, ले चल मेरे मुर्शिद अपनी दिशा में मुझे, ले चल मेरे बाबा अपनी गलियों में मुझे, ले चल मेरे बाबा। वाह रे वाह नरेंद्र, गजब गजब का प्यासा दीवाना है तू,
क्या गजब मेडिटेशन पिरोई है गुरु ने। किताबी नहीं है, बुकिश नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध, वाइब्रेशन और अल्फा वेव्स जहां हर पल हर घड़ी छलकते हैं, ये नाता प्रेम का है। होठों से चूम लूं कभी नजरों से चूम लूं, होठों से चूम लूं कभी नजरों से चूम लूं, होठों से चूम लूं कभी नजरों से चूम लूं, होठों से चूम लूं कभी नजरों से चूम लूं, मिल जाए काशी यार के, मिल जाए काशी यार के नक्शे कदम मुझे, 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 मिल जाए काशी यार के। जिंदगी तो बीच चुका हो तुम्हीं को मैं, ये जिंदगी तो बीच चुका हो तुम्हीं को मैं, ये जिंदगी तो सौंप चुका हो तुम्हीं को मैं, ये जिंदगी तो सौंप चुका हो तुम्हीं को मैं, अब क्या कोई खरीदेगा, अब क्या कोई खरीदेगा, अब क्या कोई खरीदेगा तेरी कसम मुझे, 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 अब क्या कोई खरीदेगा। ऐसे सफी के दर का गदा हो चुका हूँ मैं, ऐसे सफी के दर का गदा हो चुका हूँ मैं, ऐसे सफी के दर का गदा हो चुका हूँ मैं, ऐसे सफी के दर का हो चुका हूँ मैं, मुड़ मुड़ के देखने लगे दुनिया भर की आंख मेरे पे है, क्या गजब कहती है नरेन। सारा बड़ा बाजार कलकत्ता अपनी नजर मेरे पे रखे हुए है, मुड़ मुड़ के देखने लगे, मुड़ मुड़ के देखने लगे दुनिया वाले मुझे, मुड़ मुड़ के देखने लगे दुनिया वाले मुझे, मुड़ मुड़ के देखने लगे दैरो हरम 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 मुझे, मुड़ मुड़ के देखने लगे। Thank you.
दीवाना हो तेरे दर का ये तारीफ है मेरी, दीवाना हो तेरे दर का ये तारीफ है मेरी, प्यासा हो तेरे दर का ये तारीफ है मेरी, प्यासा हो तेरे दर का ये तारीफ है मेरी, कामिल बना गया है, कामिल बना गया है तेरा ही करम मुझे, कामिल बना गया है तेरा ही करम मुझे, कामिल बना गया है किसी का करम मुझे, कामिल बना गया है तेरा ही करम मुझे, कामिल बना गया है। नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, जिस आईने में आए नजर, जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, 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 कामिल बना गया है, कामिल बना गया है, कामिल बना गया। अरे वाह राम बादशाह, कामिल बना गया है। अरे वाह नरेन, नरेन क्या जीवन दिशा दिया है, कामिल बना गया है, कामिल तेरा ही करम, तेरा ही करम, तेरा ही करम मुझे।